वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो मैं गौरव, ये मेरे साथ भार्गव, हमने आज सोचा कि यार आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली वीडियो हमारी शूट करने के लिए हम सोच रहे थे, तो सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, कोई 7 बज रहे हैं, तो हम चाय शाय पी रहे थे, तो सोच रहे थे चलो कुछ स्टार्ट करते हैं आज नया। तो आज की जर्नी आज हम आपको बताएंगे। हम 3 लोग जा रहे हैं, एक साजन, मैं और मेरे साथ ये भार्गव। वेलकम टू अवर ब्लॉग गाइस। तो अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या। उस निकलने से पहले मैंने चेक करा कि मेरी बाइक की एक्सीलेटर वायर ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब देखते हैं उससे क्या कंडीशन आगे पता करते हैं जाके यामा के शोरूम में जाके। ओके गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस मैं आया था यहाँ पे यामा के शोरूम में अपनी एक्सीलेटर वायर चेंज कराने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये कह रहे हैं वो 2-2.5 घंटे लगेंगे अभी, तो इसलिए हम बाद में ही ठीक करवाएंगे। सो मिलते हैं आगे की जर्नी में आपको। 3 days later। सो गाइस अभी हम अपने बैक बेंचर का वेट कर रहे हैं, जो कि बड़ा लेट हो गया है, हमें 1.5 घंटे से वो वेट करवा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। और ये आ चुके हैं, देखिए इन्होंने हमें 3 घंटे वेट करवाया है। हम सुबह 12 बजे निकलने वाले हैं, लेकिन अब 3 बज चुके हैं। बताए आप कहाँ थे? यार थोड़ा बिजी हो गया था यार, ये गलत है, हम सुबह से खज्जल कर रहे हैं। तो चलो हम निकलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बनी राजा, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पेट्रोल पंप है। गौरव भाई बोल रहे थे कि बाइक पे पेट्रोल कम है, क्योंकि बाइक ज़्यादा निकालते नहीं है, तो हमने सोचा पेट्रोल डलवा लिया जाए। और वो रहे हमारे तीसरे बैक बेंचर साजन मंदराल, जिनकी वजह से हम लेट हो चुके हैं, और मैं भार्गव। तो गाइस चलो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके बाय गाइस। तो गाइस हमें बीच रास्ते में एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल दिखा है, आप देख सकते हो। तो अभी हम यहीं रुक गए हैं, आपको मैं दूर से थोड़ा सा नजारा दिखा सकता हूँ पहाड़ियों का। तो ये देखो गाइस बर्फबारी कितनी हो गई है कल की। चेक करो गाइस यहाँ का नज़ारा, चेक करो आप हमारे जम्मू का। नहाएगा साजन यहाँ पे? साजन नहाएगा? चले भाई नहा ले क्या है? वो देखो भाई भाई ठंड में नहा रहे हैं, बिल्कुल उन्हें कोई ठंडी नहीं लगती गाइस। भैया नहाए कर दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी मैं आपको एक व्यू चेक करवाता हूं, ये देख। सो गाइस बहुत ठंड हो चुकी थी, इसलिए कैप पहननी पड़ी। आप जैसे कि देख सकते हैं बादल लग रहे हैं, वो लगता है आगे जाके हमें स्नोफॉल देखने को भी मिल सकता है। साधन जी तो पूरे पैक होके आए हैं, और हमारे आंटी भैया इस टाइम पता नहीं कहाँ पे हैं, वो गुम हो चुके हैं। मजे आ रहे, मजे बहुत मजे आ रहे गाइस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चनैनी में, और यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा टनल आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ट्रक जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन हमें इस रूट पे नहीं जाना, क्योंकि हम पत्नीटॉप जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से अंदर होना पड़ेगा।
तो गाइस कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अगर हम इस रूट से जाते तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता, लेकिन हम हमारे पास टाइम इतना है नहीं, तो हम शॉर्ट रूट लेंगे। खुद वाले रास्ते से जाएंगे भाई, मजे आएंगे खुद वाले। गाइस बहुत ठंडा है गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए बदल लग चुके हैं, मौसम चेंज आ रहा है, आगे जाकर हमें स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस अब यहाँ पे व्हीकल स्लिप हो चुके हैं हमारे। ये लड़का जिद कर रहा था कि मैंने बाइक चलानी है, बाजन बाइक चलाएंगे और हमारे लाडी भाई। तो गाइस बहुत ही मुश्किल से मैंने ये डिसीजन लिया है, तो अब मैं पहले साधन के साथ था, लेकिन अब अपने लाडी भाई के साथ हूँ। तो अब हम निकल चुके हैं चनैनी से पत्नीटॉप की तरफ, तो बीच में जो भी अच्छी अच्छी लोकेशन आएंगी, वैसे तो सारा ही अच्छा है देखने लायक है, लेकिन अब ब्लॉग में हम इतनी चीजें नहीं ला सकते, तो जो भी अच्छे अच्छे स्पॉट होंगे हम वहाँ पे आपको उस एरिया का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं। गाइस साजन बोल रहा है मेरी वीडियो बना, मेरी वीडियो बना, तो चलो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं बाइक चलाते हुए, ठीक है। हमारी गर्मा गर्म चाय रेडी हो गई है। असल में चाय पी, ये इशू क्या है तो को मैसेज थोड़ी आया। तो कैसे लगी चाय? अच्छा केला कोला दूध है, कोला है बकरी का, कोला दूध है, हां ये गोवा है चोवा है। गाइस हमारी लंडूरी की चाबी गुम हो गई है, ढूंढो भाई ढूंढो। अच्छा रखी हुई है भैया, चाहे अपनी जेब से भी चेक करो, वो गिरी हुई है, वो गिरी है गाइस। गाइस हम खुद पहुंच चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे बहुत ठंडा, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पतीसा मिलता है, प्रेम भी है पतीसा, पतीसा आपने सुना ही होगा। लाडी भाई आपको कैसा लगता है लाडी भाई पतीसा यहाँ? यार एक नंबर भाई, एक नंबर यार। साधन भैया अकेले लगे हुए हैं पीछे, बहुत ज्यादा ठंडा है गाइस इस टाइम। ये स्पॉट है कुद, इस जगह का नाम है कुद, और यहाँ पे फेमस पतीसा मिलता है, ये आप देख सकते हो, प्रेम स्वीट, प्रेम भी अट्टी, तो बहुत ही अच्छा पतीसा, बहुत ही मज़ेदार, आप भी ज़रूर आइए और ट्राई करना मेरे हिसाब से। चलो गाइस ये दुकान है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है लाडी भाई, बहुत यार हद में मज़ा आ गया, वक्त ही है ना, मज़े धुंध ही धुंध, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, धूप चली गई है, नाक नूक लाल हो चुका है। चलो मिलते हैं गाइस आगे आपको। गाइस आप हाथों की कंडीशन देख सकते हो, इतना लास्ट रेड हो गया, गाइस हाथ पूरे जम चुके हैं इस टाइम, इतनी ज्यादा ठंडा है। पेड़ देखो, पेड़ देखो हमारे यहाँ, आप व्यू देखो यार, आप क्या बात है। तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। आप देख सकते हो गाइस आप कितना प्यारा व्यू है, तो कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई ये एक नंबर। फुल पावर, वो से ही लग रहे हैं भाई। वो शिव गली है यार, पे हम मेन पत्नी टॉप पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा रश है क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो
लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। अब हम बर्फ ढूंढने जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बर्फ दिखा पाए, जान दे देंगे इसके लिए। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस जिसके लिए हम आए थे वो हमें दिख चुकी है, ये देखिए बर्फ। अरे भाई दिख गई बर्फ। क्या बोलना चाहते हो आप, ठंड बहुत है यार। बस मैं तो जैसे कि गाइस हम पत्नीटॉप पहुंच चुके हैं, तो हमारा जो मोटो था हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखो यार बर्फ देखो आप कितनी प्यारी लग रही है यार, देखो देखो गाइस कितना प्यारा, कितना प्यारा गाइस स्नोफॉल चेक करो गाइस। अभी तो ज़्यादा हुआ नहीं है बट जितना भी हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होगी अभी आगे। आगे और ज्यादा बर्फ पड़ी है लेकिन आप देखते हो देख सकते हो कि ट्रैफिक भी है इस कारण। क्योंकि साजन की खुशी देखिए आप, चेक करिए वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। ज़ूम करना भाई, देखो गाइस आगे पूरा ट्रैफिक है, ये देखिए गाइस मस्ती चलती हुई पूरी एकदम। भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा भाई। गाड़ी भाई हेलमेट खोल दो थोड़ी ठंड के मजे लो। अच्छा हमको सिखा रिया है ठीक है मोटू अगर। तो भाई यहाँ पे पूरी मस्ती शुरू हो चुकी है देख सकते हैं आप, यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है। ओ भाई बर्फ चली, लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे, बर्फ के गोले चलते हुए गाइस, बर्फ के गोले ये देखिए। देखो गाइस बर्फ पे नजारे लो यार, देखो मजे आ रहे गाइस, देखो चेक करो ऑफ रोडिंग हो रही है, बर्फ चेक करो गाइस कितने दूर से पर्यटन आए हैं। पर्यटक ओ स्लिप हो रही है बहुत ज्यादा, स्लिप हो रही है ना स्कूटी आप। गाइस ये बर्फ है नीचे जो आप काली काली देख रहे हो ना, यहाँ ये बर्फ है गाइस, ये देखो ये बर्फ है, बर्फ आदि भाई गिर चुके हैं। सो गाइस हमें अपना व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि हम आगे जा नहीं सकते, आगे बहुत ज्यादा बर्फ है, हम गए थे लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ है तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम टू व्हीलर्स पे आए हैं, तो टायर वगैरह स्लिप कर रहे थे, पहले भी लाडी भाई गिर चुके हमारे एक बार, ये आपने देखा होगा वीडियो पे, एक बार पूछ लेते लाडी भाई कैसे हो आप ठीक हो ना आप? एकदम एकदम ब्रो। हाँ लाडी भाई हमारे बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल था ऐसे ही कुछ ज्यादा नहीं था। तो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अपने बैक बेंचर्स दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और हमें खूब सारा प्यार दें। ओके गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय गाइज लव यू, राम राम।